do feel very grateful that my mom is always there and she's always present. So I'm very thankful for that. She is a very, very supportive lady. पर आज पर्टिकुलरली तो मुझे उनको बोलना पड़ा यार प्लीज़ आ जाओ. मेरी मम्मी को बहुत शर्म आती है वन इज़ लाइक एनी थिंग रिलेटेड टू मी. मैं क्या करूँगी, ये तेरा तुम्हारा काम है. तो ना यार बचपन से आई हैव लाइक ग्रोन अप ऑन योर सेट्स इज़ लाइक द लीस्ट यू कैन डू. तो मेरे छोटे भाई को भी लेके आ गए ना. देर जस्ट इट्स जस्ट ऐसा नहीं होता. मेरे को लगता है मम्स ओवरवेल्म्ड हो जाती है बच्चों से. दैट इज़ द रीज़न आई गेस. हाँ पहले से आई थिंक मैं बचपन से ही सोच रही थी. बचपन से ही एक्चुअली सपने देख रही थी इज अ मोर एक्यूरेट वे ऑफ सेइंग इट. एंड देन थैंकफुली यू नो दिस हैपेंड एंड आई हैड सच अ गुड स्टार्ट विद दीज लवली पीपल. एंड बॉम्बे 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 बॉर्न एंड ब्रेड. यू नो मुझे बहुत बुरा लगता है जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बिकॉज इफ़ यू गेट टू नो माय माँ शी वो अपना पूरा करियर छोड़ देंगी इफ दैट मींस दैट इट कुड हेल्प मी इवन द स्लाइटेस्ट. शी इन दैट सेंस तो शी इज़ नॉट एट ऑल. मतलब अगर मैं भी इनसिक्योर हो जाऊँ ना थोड़ी लाइफ में लाइक व्हाट आर यू बिहेविंग लाइक दिस. लिसन बी कॉन्फिडेंट. डू यू थिंक यू डू गुड वर्क देन यू डू इट. अदरवाइज इफ यू ओनली डोंट बिलीव देन हू विल बिलीव इट. सो आई एम लाइक हां ठीक है ठीक है ठीक है. नाइस वे टू से. आई वाज लाइक श्योर मदर रिलैक्स.